स्केरी टीचर मुर्गी पनिशमेंट। बिलासपुर नामक एक गांव में एक गरीबों की पाठशाला और एक अमीरों की पाठशाला हुआ करते थे, मगर हमेशा गरीब विद्यार्थी ही परीक्षाओं में अव्वल नंबर लाते थे। जब गांव वाले उन बच्चों का जुलूस निकाला करते थे तो अमीर बच्चे और उनके माँ बाप उन्हें गुस्से से घूरते थे। एक दिन ऐसे ही अमीर बच्चों के माँ बाप एक जगह इकट्ठा हुए। उनमें से एक ने कहा, ये गरीब बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे बच्चों का इज्जत गाँव में कम होता जा रहा है, इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। इसके लिए एक तरीका है, पड़ोस वाले गांव में एक पद्मजा नाम की टीचर हैं। सुना है कि बड़ी डरावनी भी दिखती है, सुना है कि बहुत लालची भी है। उनका यहां पर ट्रांसफर करा देंगे, उनको खूब सारा पैसा देकर बोलेंगे कि बच्चों के साथ एक खेल खेले और कुछ ऐसा करे जिससे ये गरीब बच्चे पास तक नहीं हो सकते हैं। सब लोग उससे सहमत हो गए। इस तरह पद्मजा का ट्रांसफर गरीब स्कूल में हो गया। उसे देखकर क्लास में बच्चे सारे डर गए। बच्चों से वो बोली, ए, मेरे बारे में तुम लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, आगे देखो तुम्हें ही पता चलेगा। चलो चलो जल्दी एक एक करके अपना नाम बताओ। तब एक लड़की खड़े होकर बोली, मैडम मेरा नाम मोनिका है। क्या मोनिका, इसका मतलब क्या है, तुम्हें ये नाम क्यों दिया गया है? और जब वो लड़की सोच में पड़ गई तो पद्मजा ने उसे केन से मारना शुरू किया। ऐसे घटिया घटिया नाम क्यों लगाते रहते हो और बिना मतलब के नाम के घूमते रहते हो? निकलो सब लोग यहाँ से, जाके अपने घर वालों से अपने नाम का मतलब पता करके कल फिर आना, समझे? तब एक लड़का खड़ा होकर बोला, मैडम अगले हफ्ते हाफ ईयरली की एग्जाम्स है मैडम, आज लेसन्स मिस हो जाएंगे क्या? ये सुनकर पद्मजा ने उसको भी मारा। क्यों रे निकम्मे, मैं जानती हूँ मुझे क्लास कब लेनी चाहिए, निकलो यहाँ से पहले, सब घर जाओ और अपने अपने नाम के मतलब लेके आना। कहते हुए सबको मारने लगी। इससे डर के सारे बच्चे वहाँ से भागने लगे। अगले दिन क्लास में पद्मजा, ए चल तू उठ रे, बता इंडिया का पॉपुलेशन क्या है? तब एक लड़का उठकर बोला, मैम 138 करोड़। तुरंत टीचर ने उसे मार के कहा, क्यों रे हवा में बातें करते हैं, हवा में? मुझे सही जवाब चाहिए। मेरे प्रश्न पूछने के बाद तुम्हारा जवाब आने से पहले इसके बीच में भी बहुत सारे बच्चे हुए होंगे ना, वो भी जोड़ के बताओ सही नंबर, बता बता करके उसे मारने लगी। तब एक लड़की उठकर बोली, ये गलत है मैम, इतना सही जवाब कौन दे सकता है, वो बड़ा मुश्किल होगा। क्यों क्यों नहीं बता सकते हो? हमारे देश में एक घंटे में 51 लोग पैदा होते हैं और 13 लोग मरते हैं, क्या इतना भी नहीं जानते तुम लोग? बस अब और नहीं, तुम लोगों को मुर्गी की सजा देनी ही पड़ेगी। आओ सब लोग लाइन में झुक जाओ। तब बेचारे सारे बच्चे झुक गए तो पद्मजा उनको जोर जोर से मारने लगी। तब सारे बच्चे जोर जोर से, हाय दर्द कर रहे हैं मैम, मत मारिए बहुत दर्द कर रहे हैं करके चिल्लाने लगे। दीवार के पीछे से अमीर बच्चे और उनके माँ बाप ये सब देखकर छुप छुप के हंस रहे थे। पनिशमेंट के बाद सारे बच्चे बेचारे लंगड़ाते हुए घर चले। एक दिन गरीब बच्चों में से एक बच्चा पद्मजा और अमीर बच्चों के माँ बाप जो बातें कर रहे थे वो छुप छुप कर सुनने लगा। सर आप बिल्कुल चिंता मत करो सर, उन गधों को तो मैं कुछ नहीं सिखा रही हूँ, हर दिन घर भेज रही हूँ, उनको ज्यादातर मारने में ही बिजी रहती हूँ। उनमें से आधे बच्चे तो डर के मारे स्कूल आना ही बंद कर दिया और बाकी आधे उनका फेल होना तो गारंटी है। यह सुनकर अमीर लोग बड़े खुश होकर पद्मजा को पैसे दिए। तब उस बच्चे को सब कुछ समझ में आया। वो तुरंत गरीब स्कूल में जाकर गरीब बच्चों को जो भी हुआ सब साफ साफ बता दिया। तब सारे गरीब बच्चे मिलकर जंगल में स्वामी जी के पास आए, उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या उनके सामने रख दिया। अरे इतना मुश्किल आए हैं बच्चे आपको, आप बिल्कुल चिंता मत होना, मैं एक माया बेंद आपको देता हूँ, वो उस टीचर को सबक सिखाता है। एक माया बेंद तैयार करके उन बच्चों को दे दिया। बच्चे वो लेकर उन्हें नमस्कार करके वहाँ से निकल पड़े। अगले दिन बच्चे उस बेंद को टीचर के हाथ में दे दी। मैम आपके रोज हमें मारने से ना बहुत सारे बेंद टूट रहे हैं, इसीलिए खासकर आपके लिए एक तगड़ा बेंद ढूंढ के लाए हैं, लीजिए। क्या रे नया बेंत देकर मुझे पिघलाना चाहते हो, ये सब मैं नहीं मानती। चलो चलो लाइन में लगो और झुको और अच्छे से मार खा के घर चलो, आगे से तुम लोगों के लिए कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होगा, सिर्फ मार खाओगे। दूर से अमीर बच्चे और उनके माँ बाप बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। तब टीचर गरीब बच्चों को जोर जोर से मारने लगी, मगर उन्हें बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था, वो सब करके हंसने लगे। जोर से मारो मैडम,
इतने हल्के से क्यों मार रहे हो? और जोर से मारो। ये सुनकर टीचर चौंक गई और जोर जोर से मारने लगी। फिर भी उन बच्चों को कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या है रे ये, जितना भी मारो तुम लोगों को बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा है? तब वो लड़की उसके हाथ से बेंत लेकर ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए लाया गया है। बस बेंत अपने आप हवा में उड़कर टीचर को जोर जोर से मारने लगी। बाबरे, मत मारो करके चिल्लाने लगी। उसके बाद बेंत जाकर अमीर लोग और उनके बच्चों को भी जोर जोर से मारने लगी। वो लोग भी मत मारो, बापरे मत मारो कहकर चिल्लाने लगे। इस तरह टीचर पद्मजा, अमीर बच्चे और उनके माँ बाप सब लोग वहाँ से भाग के निकल गए। उसके बाद एक नई टीचर आई और अच्छी तरह उनको पढ़ाने लगी और सारे गरीब बच्चे बहुत खुश होके पढ़ने लगे। घमंडी ट्यूशन टीचर। मलिक नाम का एक ट्यूशन टीचर रहता था। वो बहुत घमंडी था। उसके पास आने वाले स्टूडेंट्स को वो बड़े अजीबो गरीब पनिशमेंट देता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन पर जा रहे मिक्की, यार मैं आज ट्यूशन नहीं जाऊंगा, मैंने होमवर्क नहीं किया, वो मलिक सर मुझे बहुत पनिशमेंट देंगे, मैं आज ट्यूशन नहीं जाऊंगा, मैं पार्क में खेलता रहूंगा, जब तुम ट्यूशन पूरा करके लौटोगे मैं भी तुम लोगों के साथ लौट जाऊंगा घर। अरे वाह, तुम्हारे पास ट्यूशन से बचने के लिए बहुत आइडियाज है। अरे एक बात समझ में नहीं आई, तेरे पिताजी शाम को वॉकिंग करने पार्क ही तो आते हैं ना, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तब कैसे बचोगे बच्चू? अरे हाँ यार, ये तो भूल ही गया, नहीं तो ये बात हो जाती कि आसमान से टपकर खजूर में अटका। एक बार यूं ही पिताजी ने मुझे पार्क में देख लिया था, फिर जो उन्होंने पार्क में पिटाई शुरू की घर तक पिटे हुए ले गए। अरे वो कोई मामूली मार नहीं था यार। यानी तुम हमारे से ट्यूशन चल रहे हो है ना? अरे यार मेरा तो बहुत बुरा हाल है, अगर ट्यूशन ना गया तो पिताजी के हाथों, और अगर ट्यूशन गया तो सर के हाथों मार खाना निश्चित है। हाय क्या करूं, चलो टीचर के हाथ ही मार खाते हैं। कहकर वे सब मिलकर ट्यूशन गए। सब बच्चों के बैठते ही मलिक सर, क्यों बच्चों सब आ गए? कल मैंने जो होमवर्क दिया था ने होमवर्क किया? जिस किसी ने होमवर्क नहीं किया वो अपने आप आकर खड़ा हो जाए तो मैं उसे नहीं मारूंगा आज। तब कन्ना चेहरे के सामने किताब को रखते हुए, यार विक्की जो अपने आप स्वीकार कर ले उससे कुछ नहीं कहेंगे, तुम खड़े हो जाओ। अरे यार ये सब उसकी चाल है, वो बिना मारे नहीं रहेगा यार। अरे यार मुझे लगता है नहीं मारेगा, तू पहले ही मान जा, आगे तेरी मर्जी। ये सुनकर मिक्की खड़ा हो गया। मलिक ने उसे देखा, अरे ये क्या लाड साहब खड़े हो गए? सर मैंने होमवर्क नहीं किया सर। वेरी गुड, लेकिन लाड साहब ने होमवर्क क्यों नहीं किया? ऐसे क्या काम आन पड़ा था? तुम्हारे पिताजी तुम्हें होमवर्क करने नहीं देते, तुम्हें कोई और काम देते हैं। चलो और यहाँ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर आपने ही तो कहा था ना कि जो अपने आप मान जाएगा आप उसे नहीं मारेंगे। अरे वाह ये तो तुमने सच कहा है, ठीक है आ जाओ, नहीं मारूंगा आज तुम्हें बिना मारे। तुम्हारे लिए एक बढ़िया पनिशमेंट प्लान किया है, आजा निकम में आजा। जैसे मिक्की नजदीक गया, अरे मिक्की तुम गधे को जानते हो? डोंकी जानते हो ना? हाँ सर जानता हूँ। तो यहाँ जाओ, गधा बन जाओ। तब मिक्की गधे की तरह झुककर खड़ा हो गया। सुनो तुम सब अपने होमवर्क की किताब लाओ और इस गधे के पीठ पर ला दो। सब बच्चे हंसने लगे। सबसे पहले कन्ना ने आकर मिक्की के पीठ में नोटबुक रखा। ये देखकर मलिक, अरे कन्ना अरे वो नोटबुक आराम से यूं नहीं रखते, वो नोटबुक मुझे दो, लाओ मैं दिखाता हूँ कहकर धड़ाम से उसके पीठ पे जोर से नोटबुक रखा। यूं सबके नोटबुक उसके पीठ में रखवाया। बेचारा उसे वो बोझ उठाया नहीं गया। सर सर बहुत भारी है, मुझे उठाया नहीं जाता, लगता है गिर जाएंगे। देखो मिक्की तुमने होमवर्क नहीं किया, क्या मैंने तुम्हें मारा? नहीं ना। अब अगर इसमें से एक भी नोटबुक गिरा, हर गिरने वाले नोटबुक के लिए 10 लातें पड़ेंगी, इसीलिए ध्यान से बिना गिरे इन्हें संभाल कर रखो। ठीक है सर। कह के खड़ा रहा। अब मान लो गधे का एक टांग टूटा हुआ हो तो वो कितने पैरों में खड़ा होगा? 3 पैरों में ना? हाँ? लेकिन इस गधे के तो सिर्फ 2 पैर हैं, और अगर एक पैर टूट गया तो एक पैर पर ही तो खड़ा होगा ये गधा, इसीलिए मिक्की गधे एक पैर पर खड़े हो जाओ। शाबाश खड़े हो जाओ। सर किताबें गिर जाएंगी।
अरे कहा तो है, जब तक इन किताबों के करेक्शन ना कर दूं, तुम एक टांग पर ही खड़े रहोगे। अगर किताबें नीचे गिरी तो तुम्हारी पीठ में बहुत मार पड़ेगी। मिकी एक टांग पर खड़ा होकर किताबों को बैलेंस करता रहा। सारे नोटबुक्स करेक्ट करने के बाद, जाओ जाकर बैठ जाओ गधे, कल अगर तुम होमवर्क के बिना आए तो मेरे हाथों मर जाओगे। इस बार और अलग सा पनिशमेंट तैयार करूंगा तुम्हारे लिए। होमवर्क करके आऊंगा सर। ट्यूशन खत्म होने के बाद बाहर आते हुए मिकी, यार कन्ना इस ट्यूशन मास्टर को सबक सिखाना होगा यार, उसने मुझे एक टांग पर खड़ा करके टॉर्चर किया और सबके सामने मेरा अपमान भी किया, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे तो क्या करने वाला है? तब मलिक ने पास ही पड़े कूड़ेदान में से सड़े हुए अंडे, गले सड़े कूड़ा करकट को जमा किया अरे अब वो साइकिल लेकर इसी रास्ते में आएगा ना, मैं वो दीवार के पीछे छुपके उसे बिना दिखे उसके ऊपर कचरा फेंकूंगा। मलिक की प्रतीक्षा करने लगा। तभी मलिक साइकिल चलाता हुआ वहाँ से गुजरा, तब मिकी ने उसके चेहरे पर पूरा कूड़ा उठाकर फेंका और वहाँ से अंधेरे में भाग गया। ये देखकर मलिक, अरे कौन है ये कंबक? अरे अंधेरे में वार करने से नहीं चलेगा, हिम्मत हो तो आओ सामने। यक, इतनी गंदगी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, अब घर जाकर मुझे नहाना पड़ेगा, कहकर वहां से चला गया। खिलौना चोर। एक गांव में विमल और कमल नाम के दो बच्चे थे। वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। विमल के पिताजी का नाम था संपत और माँ शालिनी। कमल के माँ बाप थे देवदत्त और आरती। संपत विमल को ढेर सारे खिलौने खरीद कर देता था। उन खिलौनों के साथ खेलने के बाद विमल उन्हें बड़े हिफाजत से अलमारी में रखता था। देवदत्त भी कमल को खिलौने खरीद कर देता था, लेकिन कमल अपने घर के बाहर उन खिलौनों के साथ खेलता फिर उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता। एक दिन कमल विमल से, अरे ये क्या, तेरे अलमारी में इतने सारे खिलौने हैं? जब तुम रेंगते थे तब जिन खिलौने के साथ खेलते थे तुमने तो उन्हें भी संभाल कर रखा है, तुम इतने कंजूस हो। मुझे देखो, जब मुझे खिलौने खरीद कर देते हैं तो मैं 4-5 दिन उनके साथ खेलता हूँ, फिर उन्हें फेंक देता हूँ। नए खिलौने खरीद कर देते तो है ना यार, इतनी छोटी सी उम्र में अगर तुम इतने कंजूस हो तो बड़ा होकर तो पता नहीं और कितना कंजूस हो जाओगे। मैं कोई कंजूस नहीं हूँ, मेरे पिताजी ने इन खिलौनों को खरीदने में बहुत पैसे खर्च किए हैं। अगर ये खिलौने टूट गया या खराब हो गया तो ठीक है, पर अगर हमारी लापरवाही की वजह से ये खिलौने खराब हो जाए तो ये तो पैसे बर्बाद करने वाली बात हो गई ना, इसलिए जब तक खेलना हो खेलता हूँ फिर इन खिलौनों को संभाल के रखता हूँ, क्या ये गलत है? तेरी मर्जी है यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम देखते जाओ। ये सोचकर कि तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, तुम्हारे पिताजी तुम्हें खिलौने खरीद कर नहीं देंगे। एक दिन देवदत्त आरती से, अरे हमारा काफी नुकसान हो गया, मेरे दोस्त ने मुझे बिजनेस में ठगा और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया, अब इस घर के अलावा हमारे पास खाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं है, मुझे किसी नौकरी में लगकर अपना सारा कर्जा चुकाना होगा। कमल को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वो बेचारा दुखी होगा। तब से देवदत्त ने कमल को खिलौने खरीद कर देना बंद कर दिया। कमल विमल को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखकर, हट, बिना खिलौने के बोर मार रहा है, विमल खिलौने के साथ मजे से खेल रहा है, इसे खिलौना चुरा भी तो नहीं सकता, वो खिलौनों को बड़े हिफाजत से रखता है, अब मैं क्या करूं? एक दिन विमल ने अपने सारे खिलौनों को घर के बाहर चारपाई पर बिछाया। आओ बच्चों आओ, मजेदार खिलौने ले जाओ, सस्ते दाम में खरीदो, आधे दाम में खरीदो, ये ऑफर सिर्फ थोड़े देर के लिए है, जल्दी आओ जल्दी आओ, कहकर आवाज देने लगा। तभी आस पड़ोस के बच्चे आए और खिलौने खरीद कर ले गए। ये देखकर कमल, ये तो कंजूसी की हद हो गई, ये सही मौका है कि इसके खिलौने चोरी कर लूं, ऐसा सोचा। विमल उस चारपाई के सामने कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था, वो बैठे बैठे ऊँघने लगा कि तभी कमल चारपाई के नीचे से आया
और एक खिलौना लेकर चला गया। विमल ने आंखें खोलकर, यहाँ पर जो खिलौना होना चाहिए था वो गायब है। कैसे गायब हो गया? बेच दिया होगा मैंने, ऐसा सोचा। यूं हर रोज कमल चारपाई के नीचे से आकर खिलौने चुरा कर ले जाता था। एक दिन राशन दुकान वाला कांशीराम आरती के घर आया। अरे बहन जी, हर रोज ये कहकर कि पैसे कल दूंगी परसों दूंगी सामान ले जाते हो, अब तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी आपने। अब तक 5,000 रुपए का कर्जा हो गया है। अब जब तक आप मुझे थोड़ा बहुत पैसे नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब इस मोहल्ले में आपकी बदनामी होगी, सोच लो। आरती के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तभी विमल वहाँ आया। ये लीजिए आंटी, मैंने खिलौने बेचे तो मुझे 3,000 रुपए मिले, आप ये पैसे इनको दे दीजिए। पर बेटा मैं तुमसे पैसे कैसे? आंटी जी, आपके घर के हालत के बारे में मेरे बाबा बात कर रहे थे, तब मैंने सुना। मैं चाहता था कि मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद करूं, इसलिए मैंने अपने खिलौने बेचे। वैसे भी मैं उन खिलौनों के साथ खेलता तो हूँ नहीं। मैंने सोचा कि अलमारी में पड़े रहने से अच्छा आपके काम आए तो अच्छा होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब कृपया करके मना मत कीजिए आंटी, जब आपके पास पैसे हो तब मुझे लौटा दीजिए, बस। आरती के आंखों में आंसू भर आए, उसने वो पैसे लेकर कांशीराम को दिए। ये सब बातें कमल दीवार के पास खड़े होकर सुन रहा था, उसे बहुत रोना आया। कमल तुरंत विमल के पास आया। विमल, मुझे माफ कर दो, तुम मेरे परिवार के हित में सोच रहे थे और मैंने तुम्हारे खिलौने चुराए। मैंने सोचा नहीं था कि तुम हमारे लिए खिलौने बेच रहे हो। अब मैं समझा कि तुम कितने अच्छे हो, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। तुमने अपनी गलती मान ली, यानी तुम्हें बदलाव आया है, मेरे लिए यही बहुत है। कुछ दिनों बाद देवदत्त आरती के परिवार की आर्थिक हालत फिर से सुधर गई। कमल के पिताजी जो उसे खिलौने खरीद कर देते, वो विमल के साथ उन खिलौनों के साथ खेलता था। फोन रेस्टोरेशन। रंगापुर नाम के गांव में नागू नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो सड़क पर से स्क्रैप उठाकर उसे स्क्रैप दुकान में बेचकर पत्नी और बच्चे की देखभाल करता था। नागू बहुत अच्छा इंसान था और बुद्धिमान भी, लेकिन बचपन में उसके माता पिता उसे शिक्षा नहीं दिए, इसके कारण से वो स्क्रैप उठाने वाला व्यक्ति बन गया। वो इस बात से बहुत दुखी था, लेकिन उसके बेटे की हालत वैसी नहीं होनी चाहिए सोचकर, उसे अच्छे से पढ़ाई मिलनी चाहिए सोचकर अपने बेटे बिट्टू को अच्छी स्कूल में भर्ती करवाया। नागू लाल नाम के व्यक्ति के पास स्क्रैप बेचा करता था। एक दिन नागू लाल से, लाल जी, घर पर रोज खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके दिए पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्क्रैप के बदले आप बहुत कम पैसे दे रहे हैं, जरा पैसे बढ़ाइए ना। यूं कहा लाल। क्या पैसे ज्यादा करूं? पहले ही तुम्हें ये पैसा देना ही बड़ी बात है, बीवी बच्चों का सोच कर दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं पैसे ना बढ़ाऊं तो तुम क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं ना, इसके अलावा तुमको और कोई काम आता ही नहीं, इसलिए मुंह बंद करके जाओ। यूं कहा, नागू को बहुत अपमानित महसूस हुआ, घर गया। घर पर नागू को उदास बैठा देख उसकी पत्नी रानी नागू से, क्या हुआ जी, ऐसे उदास क्यों हो? यूं पूछी। नागू जो हुआ वो बात रानी को बताकर, देखो रानी, मुझे पढ़ाई नहीं आती, इस बात से सब मेरा कितना अपमान कर रहे हैं। वही अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो क्या ऐसा होता? हमारे बेटे को तो हमें अच्छे से पढ़ाना चाहिए। यूं कहा रानी, जरूर पढ़ाएंगे जी, उसे अच्छे से पढ़ाकर डॉक्टर भी बनाएंगे। यूं बोली। एक दिन नागू चलते हुए जा रहा था कि तभी उसके आगे बिट्टू के क्लास टीचर करना आए। करना नागू से, क्या नागू जी, आपके बेटे को आपने फोन खरीद कर नहीं दिया? यूं कहा। नागू को कुछ समझ नहीं आया तो वो, फोन? मैं कुछ समझा नहीं। तब करना, आपका बेटा आपको फोन के बारे में नहीं बताया? आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि आपके बेटे ने फोन के बारे में आपको नहीं बताया। नागू जी, हमारे स्कूल में हम नया सिलेबस स्टार्ट किया है, बुक्स में कुछ QR कोड्स डाल रहे हैं, उन्हें स्मार्टफोन में स्कैन करने पर कोई भी चित्रा उस फोन में 3D मॉडल जैसा आएगा, आपके बेटे की पढ़ाई का काम आएगा। यूं कहा नागू। 3D मॉडल ये सब क्या है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। करना, तुम्हें नहीं समझ आएगा, लेकिन आजकल के बच्चे
वैसे ही पढ़ाई करते हैं। देखो नागू, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, हर बार क्लास में फर्स्ट आता है सोचकर उसे इंटर तक स्कॉलरशिप देंगे, ये बात हमारा स्कूल की प्रिंसिपल मुझसे खुद कहा है। वैसे बच्चे को अगर आप फोन भी खरीद कर नहीं दे सकते है तो सही नहीं होगा, वो बड़ा होकर जरूर डॉक्टर बनेगा। यूं कहा, सर मेरा बेटा शायद मेरी गरीबी देखकर फोन नहीं पूछा होगा, अगर स्मार्टफोन मेरे बेटे की पढ़ाई में उपयोग होगा ऐसा है तो मैं कुछ भी करके उसे फोन खरीद कर दूंगा सर। यूं कहा। फिर अगले दिन नागू अपने जान पहचान वाले के फोन शॉप पर जाकर फोन शॉप वाले से, राम भाई सबसे कम वाला स्मार्टफोन कितना का होगा भाई? यूं पूछा राम। कम से कम 6,000 का होगा नागू, तुम हो इसलिए 1,000 कम करके 5,000 में दे सकता हूँ। नागू, राम भाई जरा देखकर बताइए ना, मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिए। रामू, देखो नागू तुम कितने अच्छे इंसान हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन कोई भी फोन 6,000 से कम नहीं है। यूं कहा नागू निराश होकर वहाँ से चले गया। नागू अपने मन में, हे भगवान मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये इच्छा भी अब पूरा नहीं होगा क्या? यूं सोचा, तभी नागू को एक कचरा कुंडी के पास एक पुराना फोन दिखाई दिया। नागू वो फोन लेकर देखा, उसे लेकर मोबाइल शॉप रामू के पास गया। रामू से नागू, रामू भाई ये फोन देखिए, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? यूं कहा रामू वो फोन देखकर, बिल्कुल कर सकता हूँ नागू, ये फोन को कुछ नहीं हुआ है, बस डिस्प्ले ही गया है, नया डिस्प्ले डालने के लिए 1,800 होगा। नागू, भाई मैं अपने सारे जमाए पैसे भी मिला दूं तो 1,000 रुपए भी नहीं होंगे, जरा देखिए भाई किसी भी तरह इसे रिपेयर कर दीजिए। यूं कहा तब रामू, ठीक है तुम्हारे लिए मेरा फायदा भी छोड़कर 1,000 रुपए में करके देता हूँ, बच्चे का पढ़ाई के लिए है ना। कहकर उस फोन को रिपेयर करके नागू को दे दिया। नागू फिर रामू का धन्यवाद किया। नागू खुशी से जाकर उस फोन को अपने बेटे को दिया। बिट्टू सोच में पड़ गया कि बिना फोन की बात बताए उसके पिताजी को ये बात कैसे पता चली, वो फोन देखकर दंग रह गया था। मेरे पिताजी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। यूं सोचा, तब से बिट्टू उस फोन में पढ़ाई करते हुए यूट्यूब पर क्लास सुनते सुनते बड़ा हुआ, मेडिकल सीट के लिए लिखे एग्जाम में अच्छा रैंक प्राप्त किया। बिट्टू को अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट मिली। कुछ समय में वो बड़ा डॉक्टर भी बना। बिट्टू को डॉक्टर बनता देख नागू बहुत खुश हुआ। बिट्टू रामू की मदद किया। बिट्टू फिर उसी गांव में एक अच्छा सा हॉस्पिटल भी खोल दिया। गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। द्वारका नाम के गांव में गरीब कॉलोनी और अमीर कॉलोनी साथ साथ ही थे। अमीर कॉलोनी में रहने वाले वर्धन गरीबों को बहुत तुच्छ समझता था। एक दिन वर्धन अपने बेटे ध्रुव के लिए एक रिमोट कार लेके आ रहा था कि तभी गरीब कॉलोनी से जीवन अपनी सब्जी के साथ साइकिल में उसके आड़े आया। अरे बेवकूफ, तुम्हें इतनी बड़ी कार सामने से आते हुए दिखाई नहीं देती, इतने खटारे साइकिल को बीच में ले आए। साहब जरा जबान संभाल के बोलिए, ये सड़क सिर्फ आप अकेले के लिए नहीं बनाया गया है, हम भी टैक्स भरते हैं, आपकी तरह हमें भी कोई जरूरी काम हो सकता है। अच्छा टैक्स भरते हो, 2 रुपए टैक्स भर के 200 रुपए गवर्नमेंट से ऐंठ लेते हो, तुम अपनी तुलना मेरे साथ ना करो। देखा, मैं अपने बेटे के लिए एक रिमोट कार खरीद कर ला रहा हूँ, इसके लिए मैंने 2,000 रुपए टैक्स भरा है, और तुम अपने बेटे के लिए क्या खरीदोगे? लकड़ी के 2 पहिए बनाकर उसमें बीच में एक लकड़ी घुसाकर, लो बेटा इसके साथ खेल लो, कहकर उसे दोगे, इतना ही ना। वर्धन साहब आप ये ना भूलें कि आप भी इसी गरीब बस्ती में रहते थे, पर क्योंकि आपने मेहनत से पढ़ाई की तो आप अमीर बन गए, ये भूलकर यूं बात करना आपको शोभा नहीं देता। क्यों बच्चू, बचपन की दोस्ती याद आ गई? तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए एक गर्व की बात हो कि तुम कहो लोगों से कि तुम मेरे दोस्त हो, पर तुम्हें अपना दोस्त कहना मेरे लिए तो शर्म की बात है, कहकर वहाँ से चला गया। वर्धन घर पहुंचकर अपने बेटे ध्रुव को वो रिमोट कार दिखाया। उसे देखकर ध्रुव बहुत खुश हुआ और, पिताजी ये बहुत बढ़िया है, मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। ठीक है, पर बाहर जाकर उन बस्ती वालों के साथ ना खेलना, समझे? तब ध्रुव वो कार लेकर बाहर गया। बाद में वर्धन अपनी पत्नी लक्की से, देखो आजकल चोर बहुत हो गए हैं, इसीलिए मैंने सारे पैसों को हीरो में बदल दिया है, और उन हीरों को मैंने ध्रुव के कार में छिपा दिया है, इसीलिए उस कार पर एक नजर रखना,
ये क्या, बच्चे की कार में रख दिया तो कहीं वो टूट फूट गया तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसे मूर्खता वाले काम क्यों करते रहते हो? कहकर चली गई। अब ध्रुव अपने कार को लेकर जीवन के घर गया और जीवन के बेटे विष्णु को दिखाया। उसे देखकर विष्णु, मेरे पिताजी ने भी मेरे लिए एक कार बनाया है, कहकर उसने सब्जी के ट्रे को पहिए लगाया हुआ कार दिखाया। उसे देखकर ध्रुव, यार विष्णु तेरी कार भी बहुत बढ़िया है, हम दोनों कार का अदला बदली कर ले। ये सुनकर जीवन, ना ध्रुव बेटे, तुम्हारे पिताजी को ये अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से रिमोट कार लाकर दिया है ना, तुम उसे चलाओगे तो तुम्हारे पिताजी खुश हो जाएंगे। सिर्फ 2 दिन के लिए अंकल प्लीज, उसके बाद हम अपना कार बदल लेंगे। अगर आप कहे तो मैं अपने पिताजी को ये कार नहीं दिखाऊंगा, इसे छिपा दूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। तब ध्रुव और विष्णु अपने अपने कारों के साथ आराम से खेलने लगे। अगले दिन वर्धन के घर कुछ ऑफिसर्स आए और उसके सारे घर की तलाशी ली। उनमें से एक ऑफिसर, सर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, सुना है आजकल लोग बच्चों के खिलौने में पैसे वगैरह छुपा के रखते हैं, उस हिसाब से इसने भी अभी हाल ही में अपने बेटे के लिए एक रिमोट कार खरीदा है की तलाशी लेते हैं। सर यूं बच्चों के खिलौने के तलाशी लेना गलत है सर। इतना ही नहीं, आप लोगों ने अभी तक अपना आईडी कार्ड भी नहीं दिखाया तो मैं विश्वास कैसे कर लूं? अरे अभी जल्दी किस बात की है, सब दिखाएंगे, पहले वो रिमोट कार दिखाओ। तब ध्रुव विष्णु के वो वेजिटेबल कार्ड को लेके आया। ए, तुम्हारे पिताजी ने जो रिमोट कार्ड दिया है वो कहाँ है? वो मैंने पास वाले गरीब कॉलोनी में मेरे दोस्त रहता है विष्णु, उसको दिया है खेलने के लिए। ये सुनकर वर्धन, ध्रुव तुम जानते हो उसकी कीमत क्या है, तुमने उसे गरीब कॉलोनी में क्यों दिया बेवकूफ। तभी जीवन वहां पहुंचा और ध्रुव का रिमोट कार उसे दे दिया। उस रिमोट कार को झट से छीनते हुए ऑफिसर ने तलाशी ली और, सर इसमें हीरे नहीं है सर। ए वर्धन चुपचाप बता दो कि वो हीरे कहाँ है। ये क्या सर, आप तो यूं पूछ रहे हैं जैसे आप ही ने उन हीरों को वहाँ छुपाया है। आपने उन हीरों को वहाँ छुपाया था क्या? अरे तुम हो कौन जो ज्यादा जबान चला रहे हो, जानते हो हम कौन है? क्यों नहीं जानता सर, जानता हूँ कि तुम सब बड़े चोर हो और इस वर्धन को लूटने आए हो, इसीलिए मैं आपको ससुराल भेजने की तैयारी करके ही आया हूँ। 2 मिनट रुकिए, अभी अभी पहुँचते ही होंगे, ऐसा कह ही रहा था। कि वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखकर वो ऑफिसर चोर भागने ही वाले थे कि पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। तब जीवन ने उन हीरों की थैली को वर्धन को सौंपा। उन्हें लेते हुए, यार जीवन मैंने गरीबों का मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर देना यार, अब से सिर्फ तेरे बेटे और मेरे बेटे दोस्त नहीं है, हम दोनों भी दोस्त हैं। तब ध्रुव और विष्णु अपने अपने खिलौनों के साथ मजे से खेलने लगे। अमीर वर्सेस गरीब की जिंदगी। विराजपुर नाम के गांव में विश्वनाथ नाम का एक चैनल सीईओ रहता था। एक दिन विश्वनाथ ने अपने पास काम कर रहे गिरीश नाम के व्यक्ति को बुलाया। भाई देखो गिरी, हम कुछ ही दिनों में अमीर लाइफ वर्सेस गरीब लाइफ नाम का एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तुम उसके लिए एक डिटेल रिसर्च करके मुझे बताओ। ओके सर, कह के वहां से चला गया। बाद में अपने दोस्त विष्णु से मिला और उसे गरीब लाइफस्टाइल और अमीर लाइफस्टाइल के बारे में सब कुछ बताया। यार मैं एक शराबी को जानता हूँ, तुम उसको फॉलो करो तो तुम्हें गरीब लाइफस्टाइल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। यार शराबी को देखने से क्या पता चलेगा, तुम क्या कह रहे हो मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे यार जो पैसे वो कमाता है सब शराब में उड़ा देता है, तब घर वाले गरीब ना होकर और क्या होंगे, उसके परिवार को देखोगे तो बस गरीबी क्या है ये सब समझ जाओगे। फिर एक दिन विष्णु गिरीश को ले जाकर चाहर को दिखाया। अब गिरीश ने चाहर से अपना परिचय किया। यूं कुछ दिन गिरीश और चाहर दोनों मिलकर घूमने लगे। फिर एक दिन गिरीश चाहर के घर गया। वो एक टूटे फूटे झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी में 2 बच्चे जमीन पर बैठकर रोटी खा रहे थे। उनकी माँ उनके लिए रोटी पका रही थी। उनके घर में पंखा भी नहीं था। ये सब देखकर गिरीश को बहुत दुख हुआ।
बाद में चहर की पत्नी और बच्चे सब मिलकर बहुत दूर चलकर गए और वहाँ पत्थर तोड़ने लगे। उन नन्हे बच्चों को पत्थर तोड़ते हुए देखकर गिरीश बहुत दुखी हुआ। बाद में झोपड़ी में बैठे चहर के पास आकर, चहर तुमसे एक काम है भाई, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ, कहकर उसे अपने बाइक में बिठाकर एक जगह ले गया। वहाँ दो बच्चे बहुत महंगे कपड़े पहनकर अपने माँ के साथ खड़े थे। जैसे ही स्कूल बस वहाँ पहुँची, वो बच्चे स्कूल बस में चढ़ गए। ये देखकर चहर गिरीश से, यो भाई क्या प्लान किया है, इन बच्चों का अपहरण करना है क्या? अभी बात पूरी कहाँ हुई है भाई, असली बात तो अभी बताऊंगा, थोड़ा सबर करो। फिर दोपहर तक गिरीश और चाहर उन बच्चों के घर के पास ही इंतजार कर रहे थे। दोपहर को वो दोनों बच्चे बस से उतरे और अपने घर की ओर जाने लगे। उन दोनों बच्चों को उनकी माँ आकर अंदर ले गई। गिरीश और चाहर उनके घर चोरी छुपे चले गए। उन्होंने घर के अंदर झांक कर देखा कि वो अमीर बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठकर कई किस्म के पकवान खा रहे थे। खाना खाने के बाद वो दोनों बच्चे एसी कमरे में बैठकर महंगे खिलौनों के साथ खेल रहे थे। फिर शाम को उन दोनों बच्चों को स्विमिंग पूल पर स्विमिंग करते हुए चाहर और गिरीश ने देखा। यूं थोड़ी देर बाद गिरीश और चाहर घर से बाहर आ गए। क्यों चाहर, उन बच्चों को देखकर तुम्हें क्या लगता है, उनका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है ना? हाँ भाई, उनके पिताजी ने खूब पैसे खाए होंगे। नहीं चाहर, उनके पिताजी ने पैसे चुराए नहीं, पैसे जमा किए हैं। वो भी पहले तुम्हारे जैसे पेंटिंग का काम करता था, वो भी तुम्हारी तरह शराबी था, लेकिन जब बच्चे पैदा हुए उसने शराब पीना बंद कर दिया। लेकिन तुम जो पैसे कमाते हो वो सारा शराब में उड़ा देते हो, और बेचारे तुम्हारी पत्नी और बच्चे काम कर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? याद रखो चहर, गरीबी एक स्टेज है, हमें वहीं नहीं रुकना है, जमा करने से पैसे अपने आप बढ़ेगा। ये सुनकर चहर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गिरीश से माफी मांगा। इतना ही नहीं, उसने शराब पीना छोड़ दिया और बच्चों को स्कूल भेजने लगा। ये देखकर गिरीश भी बहुत खुश हुआ। बाद में उसने जो गरीब वर्सेस अमीर की जिंदगी का रिसर्च किया था उसके बारे में विश्वनाथ को जाकर बताया। ये सुनकर विश्वनाथ ने गिरीश की खूब प्रशंसा की।